अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको सेकंड ईयर में वेलकम और आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारी दुआएं। और इससे पहले फर्स्ट ईयर जो बच्चे कुछ रह गए हैं, कुछ आप में से बच्चे जो भी बाहर हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, उनके लिए बेस्ट विशेस। वो भी इंशाल्लाह जल्दी कामयाब होके दोबारा सेकंड ईयर में होंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो अभी सबसे पहले कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने फर्स्ट ईयर में पूरे में गाइडलाइंस ली। आप सबको पता है कि हमने ग्रुप के अंदर कोशिश की कि चीजों को आप तक पहुंचाया जाए, उसमें कुछ हमारे सीनियर्स की मेहनत थी और कुछ हमने को ट्राई किया कि हम आप लोगों तक सारी चीजें पहुंचाएं। तो सेकंड ईयर के लिए बेसिकली हमने सोचा कि एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दें, आप लोगों को बेसिक चीजों का आइडिया हो जाए, तो उसके बाद फिर साथ साथ गाइडलाइंस तो पोस्ट होती आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप सबको सेकंड ईयर में मैं अगेन वेलकम करता हूं और उसके बाद हम अब अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं, जिसमें बेसिकली कुछ पार्ट्स आपको पहले अगेन बता दूं कि इसमें बेसिकली सबसे पहले आपको वो बुक्स बताई जाएंगी जो आपने लेनी है सेकंड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर्स में ली हुई है उनसे हटके। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको बेसिक गाइडलाइंस दी जाएंगी कि कहाँ से क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। ठीक है, बाकी डिटेल जो है वो गाइडलाइन बाद में पोस्ट की जाएगी। ठीक है, तो आप ये ग्रुप और पेज ये देख लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीजें पोस्ट होती रहेंगी साथ साथ। सबसे पहले बुक्स का आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि बुक्स में क्या क्या लेना है आपने और कैसे करना है। एनाटॉमी बेसिकली बहुत सेकंड ईयर की एक्सटेंसिव है, हम इस पर भी डिटेल में बात करते हैं। तो कुछ रीजन आपके पहले आपके पास चीजें मौजूद हैं और कुछ आपने नहीं लेनी, जैसे हिस्टो की लाइक आपके पास पहले है और फिर दोस्त भी आपके पास होगी, इसी तरह एमपीयू की आपके पास केएलएम भी है, लैंगमैन भी होगी और शर्जील भी होगी, इसी तरह आपके पास जो है एब्डोमिनल पेल्विस की जो बीडी है वो लोअर लिम के साथ ही होती है, तो वो भी आपके पास होगी। ठीक है, तो बाकी जो कुछ चीजें रहती हैं वो आपने लेनी है और केएलएम ऑब्वियसली ग्रोस की आपके पास होगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जो बाकी बुक्स लेनी है आपने, उसमें सबसे पहले आपके पास न्यूरो एनाटॉमी है स्नेल की, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज, एससीक्यूज, इवन आपके वाइवा के क्वेश्चन सारे स्नेल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लिनिकल्स में सेकंड नंबर पे न्यूरो एनाटॉमी के कुछ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए एक बुक है प्रिंस, और ये प्रिंस मैंने एक अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें ये सेंड किया, तो उन्होंने आगे बोला ये तो बिस्किट का नाम है, तो ये बिस्किट का नाम नहीं है, आपने बुक लेनी है प्रिंस। ठीक है, उसके बाद न्यूरो एनाटॉमी की जो बीडी है वो लेनी है आपने और हेड एंड नेक की बीडी लेनी। इसके अलावा अगर किसी ने शर्जील नहीं ली हुई ना फर्स्ट ईयर में एमपीपी, तो वो भी काइंडली आपने ले लेनी। अच्छा, सेकंड नंबर पे फिजियो की बात करें, मेजर आपकी गाइटन ही है अगेन, और गाइटन के साथ फिर दोस्त ये पी आपके पास पहले है, फिर दोस्त से सेकंड ईयर में हमने बिल्कुल कुछ नहीं करना, बहुत कम चीजें, मतलब बहुत लिमिटेड पोर्शन होगा जो हमने करना है। जेपी आपकी बहुत मेन होगी और रशीद फिजियो की सीएनएस, ये आपने लाजमी लेनी है, इसमें कुछ टॉपिक बहुत अच्छे लिखे हैं सीएनएस के, खास तौर पे सेंसरी सिस्टम के वापस ये हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये इसमें से भी आपको बताएंगे, और मिनी गाइडन आपने लाजमी लेनी। ठीक है, उसके बाद बायोकेम की बात कर लें, बायोकेम में सेकेंड ईयर का रोल याद रखना है कि लिपनकोट, लिपनकोट एंड लिपनकोट, सिर्फ लिपनकोट से आपने चीजें करनी है। स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल डिस्टिंक्शंस ले रहे हैं और इसी में, तो वो लिपनकोट से ही सारा कुछ करते रहे, लेकिन नहीं सिर्फ लिपनकोट से नहीं, हमने कुछ चीजें हार्पर से भी करनी है, तो हार्पर या तो आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में हो या फिर आपके पास अगर बुक ले लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, बेसिक गाइडलाइंस एनाटॉमी फिजियो बायोकेम से हम स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी को सबसे पहले हम लेके चलते हैं, ओके, एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी सबसे पहले आपने समझना है, एनाटॉमी सेकंड ईयर के बहुत लेंथी है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, मैंने पोस्ट में भी एक वर्ड लिखा था कि फाइनल ईयर के बाद अगर कोई ईयर सबसे मुश्किल है एमबीबीएस का तो वो सेकंड ईयर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी बहुत लेंथी।
इवन आप कभी हाउस जॉब और इन चीजों की जब वो लिस्ट लगती है वहां पे रिजल्ट लिखा होता है तो वहां सप्लीज यहां पे मेंशन होती है ना, तो आप वहां देखेंगे कि सेकंड ईयर एनाटॉमी की सप्ली की सबसे लंबी लाइन होती है और ये हकीकत है। और सेकंड ईयर की एनाटॉमी में आप अगर ये कहें ना कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, इवन हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनकी स्टेजेस टॉप थी और उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए थे, लेकिन अनलकीली कह लें या किस्मत में ऐसा कुछ लिखा हुआ था उनके प्रोफ में सप्ली आई। ठीक, तो ये अब आपने बहुत ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखना है कि एनाटॉमी को आपने सेकंड ईयर में साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर आप एनाटॉमी को साथ साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपकी चीजें पाइल अप होती रहेंगी और एंड पे आपसे ये कवर नहीं होंगी, बहुत मुश्किल है, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी बुक्स आपकी कॉम्प्रोमाइज होंगी। ठीक है, तो सो एनाटॉमी को लाइट नहीं लेना, इसको कोशिश करनी साथ साथ, मतलब जरूरी नहीं आप डेली आके पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो आपकी सब स्टेज है एटलीस्ट उसको फुल बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करके दो, उसको प्रॉपर 3-4-5 दिन का टाइम दो आप, मतलब उसको बहुत अच्छे से तैयार करो, ये नहीं कि आप एक दिन पहले बुक पकड़ के बैठ के और करके चले गए जैसे ही, नहीं, अच्छे से तरीके से सब स्टेज को तैयार करो, स्टेज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, रिटर्न वाइवा हर चीज अच्छे तरीके से तैयार करो, साथ साथ स्पोर्टिंग बहुत अच्छी करो और मॉडल्स देखो और वीडियोज देखो, एटलस यूज करो। सो ये बेसिक चीजें वो साथ साथ आपको बताते रहेंगे। सेकेंड नंबर पे न्यूरो एनाटॉमी आपके लिए एक नई चीज है, थोड़ी सी ग्रोस जो सिंपल है उससे हटके है। सो न्यूरो एनाटॉमी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसके लिए हमने डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुने हैं एंड इट इज की टू अंडरस्टैंड न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, वैसे आप पढ़ेंगे तो आधी चीजें समझ आएंगी आधी नहीं आएंगी, या तो किसी अपने टीचर के बहुत अच्छे जो आपको पढ़ाते हैं उनके लेक्चर सुने या फिर डॉक्टर नजीब के लेक्चर के बगैर इसका गुजारा नहीं होता। और बिलीव मी डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुनने के बाद यू हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपको न्यूरो एनाटॉमी नहीं भूलेगी अगर आप एक दफा लेक्चर सुन के और स्नेल आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं उसके हम कोशिश करेंगे ड्राइव भी बनवा लेते हैं किसी बच्चे से तो वो आप सबको मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग आपने वो सुनने और इसमें आपने करने। अच्छा, न्यूरो एनाटॉमी की 2-3 चीजें आपको बता दूं, इसमें आपके पास बेसिकली 3 तरह से डिवीजन होंगी, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस और ये बेसिक चीजें होंगी, सेकंड नंबर पे ब्रेन स्टेम होगा और थर्ड नंबर पे अपर वन चीजें होंगी जिसमें सेरिब्रम आएगा और कॉर्टिकल एरियाज इसमें से आएंगे और हाइपोथैलेमस और ये डिफरेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद अगर हम बात करें एपी की और हेड एंड नेक की, हेड एंड नेक इज लाइक थोड़ी टफ है और एपी जो है वो एक्सटेंसिव बहुत लंबी है लेकिन इजी है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप चीजों को साथ साथ शॉर्ट लिस्ट करें, अंडरस्टैंड करें, चीजों का कॉन्सेप्ट बनाए रेदर देन कि आप एनाटॉमी को क्रैम करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें सेकेंड ईयर में you should have a very good idea of relations, क्योंकि हर organ, हर विसरा के relation पूछे जाते हैं, इसके आगे क्या पड़ा है, पीछे क्या पड़ा है, right, left, up, down, सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, so आपको anterior, posterior, lateral, medial हर चीज उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे विसरा है और उसकी क्या आगे उसकी importance है और उसके अलावा उसकी pouches, उसकी covering, हर चीज का आपको idea होना चाहिए। so second year में एनाटॉमी की जो सबसे मुश्किल चीज है वो है रिलेशंस और ये आपको करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। इवन आप ये लगा लें कि 9 में से समटाइम्स 2-3 क्वेश्चंस भी रिलेशन के आए हुए हैं अपर मतलब हेड एंड नेक एंड एपी में से। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट करना चीजों को अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी चीजों के रिलेशंस हैं, विसरास के हैं और स्ट्रक्चर्स के हैं, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है रादर देन कि आप क्रैम करते जाएं तो वो चीजें भूल जाएंगे एट देन। सो आई रिकमेंड कि आप एटलस को यूज करें इस पर्पस के लिए, कोई वीडियो देखें, पर एटलस को यूज करने का बहुत आसान तरीका है, आप बुक खोलें, साथ वो डायग्राम खोलें और बुक पढ़ते जाएं तो आपको हर चीज समझ आती रहेगी। सो यू शुड हैव इमेज, एन इमेज आपके माइंड में बन जाएगी कि क्या चीज आप पढ़ रहे हैं और किस तरह की ये चीज है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग TOS टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो अगर आप देखें हिस्टो की बात करें हम सबसे पहले तो हिस्टो के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो आपने पढ़ने और इनके डायग्राम्स करने। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है नंबर वन, उसके बाद नंबर टू, और उसके बाद ये वाले नंबर थ्री एंड नंबर फोर, नंबर फाइव, और ये दोनों माइनर है, इनमें से मतलब कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से पेपर में क्या आना है, तो सिक्स एमसीक्यूज एंड वन एससीक्यू, ठीक है, ये हिस्टो का आपका पैटर्न है। और इस दफा आपको बता दूं कि सप्ली के पेपर में सेकंड ईयर में डायग्राम नहीं आई, सो आपने हिस्टो को भी लाइट नहीं लेना, आपने पढ़ना है पास पेपर्स और साथ साथ बुक से अंडरस्टैंड करना है चीजों, ठीक है। सो बेस्ट थिंग के एनाटॉमी और फिजियो की आपकी चीजें कोलैबोरेट करती हैं और आपस में बहुत ज्यादा चीजें एक जैसी हैं, और इसी तरह आप देखेंगे एम्ब्रियो और हिस्टो की चीजें भी आपस में मिलती हैं, ग्रोस और हिस्टो की चीजें, ग्रोस और एम्ब्रियो की चीजें, सो सारी चीजें एक जैसी हैं। मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि मतलब मुझे एक चीज, मतलब जैसे पहले था परलिम लोअर लिम्ब और हर चीज डिफरेंट थी, उस तरह नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर पे एम्ब्रियो की बात करें, अगेन देखें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सीवीएस, और समटाइम्स अगर मैं आपको बताऊं सीवीएस के दोनों क्वेश्चन एम्ब्रियो के सीवीएस में से भी आ जाते हैं, ठीक है। सो दो इसमें से आपके ओवरऑल एससीक्यू है, इधर पैटर्न में उन्होंने यही लिखा हुआ कि एक एससीक्यू क्वेश्चन, लेकिन समटाइम्स सीवीएस में से दोनों क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आता है सीवीएस में से, ठीक है। सो सीवीएस के लिए आई रिकमेंड कि आप डॉक्टर वजाया उनकी वीडियो आप लाजमी सुने, उनकी वीडियो बहुत अच्छी है, तो वो आपने लाजमी सुननी, ठीक है, डॉक्टर वजाया, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद बाकी सिस्टम है, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर नीचे वाले में बताऊँ तो फ्रेंजियल एपरेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस, और ये यूरिनरी सिस्टम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल सारे आपने करने, क्योंकि वाइवा के लिए बाकी सारे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एससीक्यू के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने ओवरऑल ही सारा करना, ठीक है। डॉक्टर वजाया की वीडियो सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ फ्रेंजियल एपरेटस वगैरह से रिलेटेड है, जो नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूरो, न्यूरो का ब्रेन में से एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स, न्यूक्लिया, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, मेनिंजीज, सिस्टर्न एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये बिल्कुल उन्होंने सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें हर चीज आ जाती है आपकी, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऊपर सेरिब्रम एरिया हर चीज आनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है जो चीज मैं पहले मेंशन करना भूल गया, वो है क्रेनियल नर्व, समटाइम आपका पूरा एससीक्यू क्रेनियल नर्व पे आ जाता है, ठीक है, और आपके काफी सारे एमसीक्यू इस क्रेनियल नर्व वाले पोर्शन में से आते हैं, ठीक है। सो ये आपने अच्छे से करनी है, 12 क्रेनियल नर्व है, इनके कोर्स, इंट्राक्रेनियल, एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्स, न्यूक्लिया कहाँ पे पड़े, उनके फंक्शंस वगैरह। उसके बाद एब्डोमेन पेल्विस, अगर आप देखें पेल्विस वाला जो रीजन है, इसमें से एक एससीक्यू आना है और एब्डोमेन वाले में से दो आने, और बहुत सिंपल जो आपके लिए चीज हुई है कि अगर आप ये वाले आप देखें, ये दो चैप्टर आप सिर्फ करेंगे ये वाले, तो आपका एक एससीक्यू हो जाएगा, ठीक है। ये दो चैप्टर इतने मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है दोनों, ठीक है। और दूसरी देखें एब्डोमिनल विसरा एंड अदर स्ट्रक्चर, ये कुछ छह चैप्टर मिलके बनते हैं छोटे छोटे, अगर आप ये कर लेंगे तो देखें आपका कितना बड़ा पोर्शन और क्लियर हो रहा है, चार एमसीक्यूज और एक एससीक्यू, 9 मार्क्स का यहाँ से पोर्शन आ रहा है, और बाकी जो पेल्विस का है उसमें से ये वाला पोर्शन आ रहा है। उसके बाद हेड एंड नेक है इसी तरह, तो इसमें से डिफरेंट चीजें हैं, क्रेनियल कैविटी और ये स्टार्ट है अभी बिल्कुल, सो इसमें से बोन्स है कुछ, और उसके बाद आपका स्कैल्प एंड टेम्पल वाला चैप्टर, ये बहुत इजी है, फेस वाला, और बाकी आगे भी मतलब एंड पे हमारा ऑर्गन शुरू हो जाते हैं जिसमें आई है, ईयर है, नोज है, तो उनकी बेसिकली सप्लाईज ये, ठीक है। सो इसके लिए अगर मैं ओवरऑल आपको दो तीन चीजें बता दूं ग्रोस के लिए, सो इसमें ना क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले इसमें है आपने सारी चीजों की सप्लाई सेपरेट करनी, वो मैं शेयर भी कर दूंगा, नोट्स मैंने बनाए थे जो, और मतलब अगर आप एब्डोमेन पेल्विस कर रहे हैं सारे ऑर्गन्स की विसरास की, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और सारी चीजें जो भी, और वीनस सप्लाई, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
और बेस्ट थिंग ये कि सेकंड ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास मसल टेबल नहीं आता, मतलब 90% चांसेस कि मसल टेबल नहीं आता। और सेकंड बेस्ट थिंग कि आपके लिए अगर तीन आपके पास एब्डोमेन पेल्विस और दो हेड एंड नेक, पांच में से तीन एससीक्यूज मोस्टली दो या तीन एससीक्यूज आपके क्लिनिकल टाइप होते हैं, ठीक, और वो बहुत इजी होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम चले एमसीक्यूज की तरफ, एमसीक्यूज थोड़े से टफ होते हैं, यस टफ होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा नहीं होते, बहुत ज्यादा भी नहीं होते बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन टफ होते हैं और हर दफा होते हैं, ठीक है, इस दफा थोड़े ज्यादा टफ होते हैं। उसके लिए आगे एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ, उसमें बी आर एस है, के एल एम बी व्यू है, तो कोशिश करें आप स्टेज में साथ साथ करते जाए एमसीक्यू, एक बुक आप एटलीस्ट स्टेज में कर लें और एक बुक आप स्टैंड अप में कर लें और एक दफा उसकी रिवीजन हो लेगी, ठीक है। सो ये आपका एनाटॉमी का पोर्शन हो गया, इसमें कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट रह गई है वो साथ साथ पोस्ट में होती रहेंगी, ठीक है, और आप साथ साथ जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप डिस्कस करते रहिए, ठीक है। ये एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसमें आपने बेस्ट थिंग की आप अपने नोट्स भी बनाए, शॉर्ट लिस्ट भी करें एंड व्हाट्सएवर जो भी थी। ओके, इसके बाद आ गया इसके वाइवा और ओस्पी की तरफ। अगेन वही आपके पास सारा सिनेरियो जिस तरह आपको पहले 12 आपके पास स्टेशन होते हैं ओस्पी के ग्रोस की, 48 मार्क उसमें मार्क लगे होते हैं, हर स्टेशन पे 4 मार्क होते हैं, 2 मार्क्स का एक स्टेशन होता है, ठीक है, ये उसमें स्पॉट जो नंबर ऑफ स्पॉट है 48 होता है आपका, तो 4 स्पॉट होते हैं। यस, इसमें से एक चीज भूल गई थी, क्या चीज भूली थी कि बोन्स के बारे में, बोन्स सेकंड ईयर में बहुत कम है, इसमें एक ही बोन है आपकी जो मेजर है वो स्कल है, उसके बाद मैंडिबल है और उसके बाद वर्टिब्रा, ये तीन मेजर है, और अगर नीचे से एपी की तरफ देखें तो बस ये तीन चार बोन्स है मेजर, बहुत कम है। आप इनको एक ही दफा कर लीजिए, इनकी वीडियोज भी पड़ी हुई, शॉर्ट वीडियोज भी, उनके लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो ये बिल्कुल ईजी है, आप स्टार्ट में कर लेंगे एंड तक ईजी रहेगा, अपनी वीडियोस बना लें खुद से करके तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। सो उसी तरह तीन स्टेशन हेड एंड नेक के, तीन एब्डोमेन के, एक पेल्विस, ठीक है, ब्रेन के दो, ब्रेन के और उसके बाद रेडियो का एक और एम्ब्रियोलॉजी के दो स्टेशन। हेड एंड नेक में बात करूं तो एक स्टेशन जो आता है उसमें मोस्टली मैंडिबल पड़ी होती है पहले स्टेशन पे और साथ स्कल पड़ी होती है, बाकी दो स्पेसिमेन होते हैं, एब्डोमेन में वर्टिब्रा सैक्रम और बाकी दो स्पेसिमेन के, पेल्विस में भी आपका कोई स्पेसिमेन मॉडल पड़ा होता है, और ब्रेन के जो दो स्टेशन है दोनों में आपके स्पेसिमेन होते हैं, कोई मॉडल होता है उसमें से आपसे चीजें पूछी जाती है। रेडियो का बहुत इजी आता है और स्पेशल एमबीयू की मोस्टली पिक्चर्स आते हैं, आई विल शेयर के कौन कौन से पिक्चर्स हैं। अच्छा, अगेन बाकी आपको हिस्टो का पता है, 10 मार्क्स की आपकी ओस्पी होती है पहले हिस्टो की, स्लाइड्स सेकेंड ईयर में बेस्ट थिंग के स्लाइड्स बहुत कम है, फर्स्ट ईयर की तरफ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब मैक्सिमम आपके पास देखें तो टोटल जो नंबर ऑफ स्लाइड्स बनेगी वो 50 के करीब बनेगी या 40 के, तो बहुत इजी सीन है, अगर उनकी दो दो तीन तीन कल 70-80 के करीब स्लाइड्स होती है तो ओवरऑल 40 के करीब आपकी बनेगी, ठीक है। सो बहुत इजी सीन है। उसके बाद आप देख लें जो लॉन्ग स्लाइड है उसमें ड्राइंग लेबलिंग और ये सारा 10 मार्क्स का होता है, और उसके बाद वाइवा, वाइवा में बेस्ट थिंग के आप न्यूरो एमपीयू को बहुत अच्छा करें और ग्रोथ आपकी इंशाल्लाह साथ साथ होती रहे। ओके, ग्रोथ और एमपीयू के ओएसपी के लिए टिप्स क्या हैं? सबसे पहले मॉडल्स बहुत अच्छे से करें, मॉडल्स में मैंने आपको बता दिया आपके जो फुल बॉडी का मॉडल है उसको भी कोशिश करें, खासतौर पर फेस के मसल्स हैं, जो नेक के मसल्स हैं और जो नीचे एब्डोमेन में मसल्स हैं, इसी तरह जो विसरास है उनकी स्पॉटिंग बहुत अच्छे से करें, स्टमक है, लिवर है, पेंक्रियास है, स्प्लीन है और इंटेस्टाइन आगे आ जाती हैं, और ये सारी चीजें इनकी आप स्पॉटिंग अच्छे से करें, मॉडल एंड स्पेसिमेन दोनों। बोन्स आपको मैंने पहले ही बता दी है, एम्ब्रियो के कुछ डायग्राम्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, और एंड पे रेडियोग्राफ, बहुत कम डायग्राम्स है उसी में से मोस्टली आ रहे। ओके, हाउ टू स्टडी, ये मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, अगेन के एनाटॉमी ने सबसे पहले डॉक्टर नजीब की वीडियोस, फिर स्नेल की रीडिंग, बीडी के कुछ टेबल्स आई विल शेयर के कौन कौन से टेबल करने, एंड केएलएम से आपके क्लिनिकल्स प्लस कुछ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और प्लस प्रिंस से जनरल टर्मिनोलॉजी। नजीब इज लव बिकॉज न्यूरो एनाटॉमी समझ ही नजीब से आती है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, या तो आप के टीचर कोई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली आप उनके लेक्चर सुनें,
दैट्स वेरी गुड कि अगर आप उनके कॉन्सेप्ट समझ लें तो दैट ग्रोस एंड एमबी के लिए ग्रोस के लिए बी डी एंड के एल है अगेन उसी तरह हमारा जिस तरह कॉम्बो पहले था फर्स्ट ईयर में तो उसमें से चीजें करनी एंड एमबीयू में सबसे पहले वीडियोस डॉक्टर वजह आया कि जो मैंने आपको बताई एएलएम की रीडिंग एंड लैंगमैन दोनों साइड बाय साइड जो आपको ठीक है शर्जील लाजमी आपने करनी है और क्लिनिकल। अच्छा शर्जील मैं क्यों आपको बार बार कह रहा हूँ रीजन ये है कि स्पेशल एमबीयू इज नथिंग मतलब वो ऐसे नहीं जनरल एमबीयू की तरह एक्सटेंसिव चीज नहीं। स्पेशल एमबीयू बेसिकली आपसे पूछा के जाता है एक ऑर्गन के डेवलपमेंट ठीक है आपने केएलएम से बहुत लंबी चीज पढ़ी है ना कि ये किस तरह मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टमक आपने पढ़ा कैसे डेवलप होता है ठीक है। अब आपने केएलएम से पढ़ेंगे वो सारी पहले बताएगा गट की डेवलपमेंट होती है किस चीज से होती है किस तरह गट बनती है फिर वो बताएगा गट में एक जे शेप हमारे पास स्वेलिंग अपीयर होती है ठीक है वो स्वेलिंग को बताएगा कि जो स्वेलिंग अपीयर होती है फिर उसके बाद वो बताएगा उस स्वेलिंग बड़ी होती है फिर उसमें से अब इसको ना शर्जील ने मतलब एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ ठीक है एट द एंड उसकी रोटेशन होती स्टमक की 90 डिग्री पे और वो उसके बॉर्डर्स चेंज हो जाते हैं ठीक है। तो वो जनरल सी टर्म्स में शर्जील ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख दिया एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। जब आप केएलएम पढ़ लें शर्जील से पढ़ें यू जस्ट हैव कि आपने एससीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना ठीक है सो शर्जील इसलिए पढ़नी एंड क्लिनिकल्स अगेन केएलएम 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 जो कि क्लिनिकल्स आपने शर्जील से नहीं करने क्लिनिकल्स आपने सारे केएलएम से करने। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी एनाटॉमी की हमने जनरल सारी चीजें डिस्कस कर ली इसके अलावा साथ साथ पोस्ट होती रहेंगी चीजें आप पूछते रहिएगा। फिजियोलॉजी सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर सेकेंड ईयर बहुत इजी बहुत आराम से आप पढ़ लेते हैं बिकॉज न्यूरो पढ़ ली सीएनएस हो गया उधर से आपने एंडो बायोकेम में पढ़ ली इधर भी एंडो गया इधर एंडो पढ़ ली तो उधर हो गया ठीक है। तो इनके टॉपिक्स एनाटॉमी बायोकेम के साथ बहुत ज्यादा मिक्स होती है बहुत इजी है रीनल आप किडनी एनाटॉमी में पढ़ेंगे यहाँ भी पढ़नी सो काफी ज्यादा चीजें सेम ठीक और न्यूरो में तो फंक्शंस भी क्योंकि आपने पढ़ने होते हैं तो यहाँ पे आपको फिजियो में मसला नहीं है सिवाय सेंसरी सिस्टम के थोड़ा ओके। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रीनल ये आपने गाइटन और जेपी से मिला के करना है गाइटन मेजर बुक होगी जेपी से कुछ टॉपिक्स होंगे सिलेक्टेड सीएनएस गाइटन रशीद इन दोनों से आपने मिला करना है गाइटन आपकी मेजर बुक होगी एंडो गाइटन प्लस मिनी गाइटन से आपने रीडिंग देनी है एंड फाइनल टच आपने मिनी से लेना है जीआईटी एंड रिप्रो माइनर टॉपिक्स हैं ये दोनों आपने कहाँ से करनी है मिनी से करनी एंड एक स्पेशल सेंसेस का टॉपिक है वो भी आपने गाइटन से करना है ठीक है वो इसमें मेंशन करना ना भूल गए। सो टू एससीक्यूज रीनल से सीएनएस से टू एससीक्यूज एंडो से टू एससीक्यूज सिक्स ये तीन पोर्शन में आपके सिक्स एससीक्यूज सॉल्व करने हैं बिलीव मी मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन ये आपके तीन हैं ठीक है जीआईटी रिप्रो और स्पेशल सेंसेस से एक एक क्वेश्चन सो इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा एंडो के मोस्टली क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड आते हैं और वो सारे पास पेपर में से मोस्टली होते हैं सो आइडिया अच्छा होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए अच्छी रीडिंग होनी चाहिए प्लस पास पेपर इसकी फॉर द एंडो रीनल सीएनएस जीआईटी ऑल ठीक है। यूएस देखें किडनी 8 एमसीक्यूज 2 एससीक्यूज 18 मार्क्स नर्वस सिस्टम सीएनएस 12 एमसीक्यूज 2 एससीक्यूज 22 मार्क्स स्पेशल सेंसेस 1 एससीक्यू 6 एमसीक्यू 11 मार्क्स एंडोक्राइन 8 एंड 18 मार्क्स रिप्रोडक्शन 11 एंड जीआई 10 मार्क्स ठीक है। सो अगर आप किडनी सीएनएस एंड एंडो कर लेते हैं तो बिलीव मी आपका 75% पेपर सॉल्व हो जाए आप चेक कर लें कि आपके 18 और 20 एंड 28 एमसीक्यूज 45 में से आपके सॉल्व हो रहे हैं और आपके 6 एससीक्यूज सॉल्व हो रहे हैं 9 में से सो 75% पेपर आपके यहीं पे सॉल्व हो गए। सो आपको मैंने बता दिया ये कहां कहां से कैसे कैसे पढ़ना है सो अभी आपको रीनल सीएनएस जो भी स्टार्ट करवा बिल्कुल इसी तरह आपने स्टार्ट करने प्लस मैं पोस्ट आसिफ करता रहूंगा कि किस तरह आपने करना है। अच्छा एक चीज इसमें और एडिशन करना है कि जो आपका इसमें सीएनएस है उसमें आप यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी के अलावा ठीक है। सो आपने रीडिंग जब करनी है सो ट्राई टू शॉर्ट लिस्ट द थिंग्स या कर लें आपके नंबरिंग देनी है वो बुलेट्स के फॉर्म में फंक्शंस को लिखना है
ठीक है, जितनी भी चीजें और उनका सर्किट्स और उनकी चीजें और उनके कंपोनेंट्स, उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद। उसके बाद आपको ओसपी वाइवा का अगेन पता है सेकंड ईयर में। बेस्ट थिंग आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं बहुत इजी हैं फिजियो के, ठीक है। आपके पास सिर्फ सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस हैं कुछ, और कुछ यूरिन से रिलेटेड एक तो प्रैक्टिकल्स हैं रीनल से रिलेटेड, और आगे जो बाकी छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं बाकी, और मोटर सिस्टम के थोड़े से प्रैक्टिकल एंड प्लस क्रेनियल नर्व्स के। और क्रेनियल नर्व्स जब आपने न्यूरो और एनाटॉमी में पढ़नी है वो सारी चीजें आपने वहां पढ़ लेनी है कि उनकी वजह से क्या होता है। सो सेकेंड ईयर में बेस्ट थिंग के आपके पास जो 50% पोर्शन ऑफ एनाटॉमी, अगर मैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के बात करूं तो 100 मार्क्स का जो पोर्शन आप ये समझ लें एनाटॉमी और बायो एनाटॉमी एंड फिजियो का सेम है, ठीक है। सो इसमें बहुत इजी आपके लिए है। सो ये फिजियो के रिगार्डिंग था, मोस्ट इजीएस्ट इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, प्लस इसमें यस डिस्टिंक्शन लेना बहुत आसान है, ठीक है। लास्ट नंबर पे बायोकेम, और यस बायोकेम सेकंड ईयर लिपनकोट एंड लिपनकोट ये है सबसे की पॉइंट टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे मेटाबॉलिज्म, आप इतना मेटाबॉलिज्म में घूम जाएंगे सेकंड ईयर में, हर चीज का मेटाबॉलिज्म आप पढ़ रहे होंगे क्या चल रहा है कैसे हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट में आप शुरू होंगे ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की तरफ जाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जाएंगे, आप मतलब हर तरफ घूम घुमा के तो आप मेटाबॉलिज्म पढ़ते रहेंगे, ठीक है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे टूटता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। एंड अगर बिलीव मी और नॉट, अगर आप सिर्फ डायग्राम लिपनकोट की तरतीब वाइज करते जाएंगे आपके सारे MCQs सॉल्व हो जाएंगे, आपके 70% MCQs सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे। प्लस रीडिंग ऑब्वियसली आपने बुक की देनी है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आप डायग्राम्स करें उसको साथ साथ समझें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया बन जाए। और लास्ट नंबर पर डिजीजेस, यस जो डिसऑर्डर्स जो डिजीजेस ड्यू टू द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होती हैं और कॉज करती हैं, वो भी आपने इसमें से पूछ ली, ठीक है। उसके बाद बुक्स लिपन हार्पर्स एंड सत्या, लिपन इज मेजर बुक, 95% ऑफ योर सिलेबस लिपन बोर्ड से कवर होना है, हार्पर्स से 95 सॉरी नहीं कह लें आप 90 कह लें, ठीक है। हार्पर्स से आपका 5-8% एंड सत्या से कुछ माइनर टॉपिक्स 0.5 जिसमें से SCQN है उसके 2-3 टॉपिक कवर। US देखें सबसे पहले बायो एनर्जेटिक एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो इसमें देखें तो आपके ये वाला 0.5 एंड 2 MCQs, और कार्बोहाइड्रेट में देखें 6 एंड 1.5 लिपिड एंड प्रोटीन। अगर आप ओवरऑल इन तीनों को देखें ये जो तीन है 1, 2, 3 तो 4.5 SCQs यानी हाफ SCQs इन तीन टॉपिक्स में से कवर होते हैं एंड 18 MCQs ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है। आपका 50% सिलेबस 50% चीजें इधर से कवर हो रही हैं तीन, और ये तीनों मेटाबॉलिज्म बहुत आसान है और बहुत छोटे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। 6 चैप्टर आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हैं, 4 चैप्टर लिपिड मेटाबॉलिज्म के हैं एंड 3 चैप्टर आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। बहुत ईजी है और आपको ईजीली ये चीजें याद रहती हैं और बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप साथ कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। ये एक चैप्टर है छोटा सा 4 पेजेस और इसमें से पेट क्वेश्चंस वही आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक रेप्लिकेशन म्यूटेशन और रिपेयर वाला थोड़ा सा अजीब टॉपिक, सो ये आपका छोटा सा टॉपिक है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म ये भी माइनर टॉपिक है, बाकी सारे माइनर टॉपिक। एंड यस एंडोक्राइनोलॉजी, अगेन आप फिजियो में बहुत अच्छी करेंगे तो आपको ये अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट है, इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं आती, सिर्फ 2-3 चीजें एडिशनल आती। कैटेकोलामाइन की प्रिपरेशन यानी कैसे उसका बनता है मेटाबॉलिज्म, अगर आप फिजियो में कर लेंगे तो इधर आसान रह जाएगा, इधर कर लेंगे तो फिजियो में आसान रह जाएगा। कुछ चीजों की मतलब जो फॉर्मेशन है वो कुछ हार्मोन्स की फॉर्मेशन उनके नेचर वो पूछी जाती है। सो फिजियो के चैप्टर नंबर 1 में एक टेबल बना हुआ है नेचर ऑफ हार्मोन वाला, अगर आप वहां से कर लेंगे तो आपको यहाँ एंडोक्राइनोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा बायोकेम में। सो आपके ये वाले पोर्शन के साथ ये फ्री का पोर्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। GIT वाला टॉपिक एक चैप्टर है छोटा सा, ये भी बहुत इजीली हो जाता है, और 1, 2 और 3 टॉपिक थोड़े से मुश्किल है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। उनपे थोड़ा टाइम भी लगता है लेकिन हो जाते हैं। ओके, उसके बाद प्रैक्टिकल वाइवा सेकंड ईयर बायोकेम में
जो प्रैक्टिकल्स हैं यस वो थोड़े से टफ हैं, वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, रिएजेंट याद रखने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में भी ऐसे था लेकिन सेकेंड ईयर में कंपेरेटिवली थोड़े से, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह होते रहेंगे। ऑब्जर्व स्टेशन सेकेंड ईयर में बहुत आसान है, टोटल 3 या 4 ऑब्जर्व स्टेशन है और वही आते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और उसके बाद सैंपलिंग ऑफ द ब्लड और एक शायद था वो शायद स्पिनर था और 3-4 ऐसी चीजें बिल्कुल सिंपल, उनकी वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगा तो वो वही 5 या 6 टोटल होंगे और वही चीजें आपसे उसमें से पूछी जाती है, ठीक है, और प्लस सिंपल हो गया। ओके, लास्ट पे हम एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो बीआरएस के एमसीक्यूज, केएलएम रिव्यू एनाटॉमी, इनके एमसीक्यूज आदमी करने, प्लस बीडी की एक्सरसाइज के लिए, फिजियो के लिए बीआरएस फिजियो एंड गट एंड रिव्यू, कि मैंने दो दो बुक्स इसलिए लिखी, एक आप साथ साथ करते जाएं, कोई एक बुक पकड़ लें साथ साथ कर लें और एक सेंड अप में कर लें। एंड बायोकेम के आपने चैटर्जी या बायोकेम के एमसीक्यू और डॉक्टर अशरफ के एमसीक्यू एंड लास्ट पे यूएचएस के पास नगर्स, ये दैट्स ऑल अबाउट के हमने क्या करना है, कैसे करना है, शुरू कैसे करना है। बस बेस्ट थिंग कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, आप अपना टेस्ट तैयार करके दें। सेकेंड ईयर टफ है, यस बहुत टफ है, लेकिन कोई नामुमकिन चीज नहीं है, यहाँ से सब लोग गुजर के गए। लेकिन एनाटॉमी बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी है और ट्राई टू शॉर्ट लिस्ट द थिंग्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अंडरस्टैंड थिंग्स, शॉर्ट लिस्ट द थिंग्स, चीजों को अलग रखें अपने पास जहन में, उनके शॉर्ट लिस्टिंग अपने जहन में करते जाए, लिख के करते जाए, जैसे भी है, जैसे आपके लिए इसी, दैट्स ऑल अबाउट कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे सेकेंड ईयर के लिए। होप सो जो बच्चे ये वीडियो सुनेंगे उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा, प्लस यस आप जरूर सजेशन दिया करें कि मतलब किस तरह हम बेटर कर सकते हैं, किन चीज़ों में मसला आता है गाइडलाइंस में, मुझे जरूर बताया करें कमेंट में, वैसे बता दिया करें अगर कोई चीज शेयर करनी हो, कोई नोट्स आपने बनाए हो मुझे जरूर सेंड कर दिया करें ताकि बच्चों को फायदा हो, आपकी वजह से किसी का फायदा। एमबीबीएस में ये आके कभी ना सोचे कि जो चीज मुझे आती है वो किसी और को ना आए, यहाँ आके आप जितना नॉलेज दूसरों को बांटेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो कोशिश करें जो चीज आपने अच्छी लिखी है, अच्छी शॉर्ट लिस्ट की है, वो बच्चों के साथ शेयर करें, मुझे सेंड कर दें, मैं आपके नाम के साथ शेयर कर दूंगा। तो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक।